चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे छात्रों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना चला रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पिछले दिन तक देखे थे कि जटिल अभिक्रिया क्या है, क्रमागत अभिक्रिया क्या है, सरल अभिक्रिया क्या है, पार्श्व अभिक्रिया क्या है, ये सब अभिक्रिया का डेफिनेशन उसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखे थे। चलिए अब उसके आगे जो हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू बोले तो इस चैप्टर का जो हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक गतिकी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी हम लोग आ चुके हैं। और ये जो टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं इससे 5 से 7 नंबर तक का एकदम फुलफिल आने वाला है, एकदम वीवीआई एकदम आता ही आता है क्वेश्चन, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हम लोग क्या सीख रहे थे प्यारे छात्रों, अभिक्रिया की कोटि को निकालते कैसे हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि को प्रूफ कैसे करते हैं, और ये प्रूफ बहुत पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तो ज्यादा ही पूछता है। देखिए अभिक्रिया की कोटि का जो व्यंजक है वो दो तरह का हम लोग व्यंजक पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभिक्रिया की कोटि का व्यंजक ज्ञात करने के लिए, कोटि के व्यंजक में दो तरह का हम लोग बात पढ़ेंगे। एक होता है शून्य कोटि का, शून्य कोटि, और एक होगा प्रथम कोटि। यानी कि जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब फार्मूला डिराइव कैसे करते हैं, जरा समझिएगा। अब यहां पे तो शून्य कोटि का भी है और प्रथम कोटि का भी है, लेकिन अब दोनों ही केस में, इस केस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, शून्य कोटि का में भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम कोटि में भी पढ़ेंगे। अब अभिक्रिया की कोटि का जो व्यंजक निकाला जाता है, शून्य पे भी निकाल सकते हैं, प्रथम पे भी निकाल सकते हैं, द्वितीय पे भी निकाल सकते हैं, तृतीय पे भी, जितना कोटि चाहे मर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे मात्र दो का पढ़ेंगे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। और इसमें जो वीवीआई है वो सबसे वीवीआई है प्रथम कोटि का। ये अब प्रथम कोटि से ही सवाल ज्यादा आता है कि प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्रथम कोटि का अर्ध आयु निकालिए, प्रथम कोटि का के का एसआई मात्रक निकालिए। यानी कि दोनों कोटि को हम अलग अलग प्रूफ करेंगे तो सब में हम लोग किस किस चीज को बात करेंगे, तो शून्य कोटि में हम लोग पहला बात करेंगे कि उसका व्यंजक कैसे आता है, प्रूफ कैसे होता है। दूसरा हम लोग सीखेंगे कि इसमें जो के आएगा एक फार्मूला में, जब व्यंजक प्रूफ करेंगे तो उसमें के आता है, और के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, के की इकाई क्या होती है। यानी कि शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या होता है, उसका इकाई क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु क्या होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो भी कोटि के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे उसमें तीन चीज देखेंगे, उसका व्यंजक मतलब उसका प्रूफ, और उस कोटि के लिए यानी कि शून्य के लिए, तो शून्य के लिए के का एसआई मात्रक, और शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु। अभी हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है, जरा वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, प्रथम कोटि में अगर चले तो प्रथम कोटि में भी तीन बात करेंगे हम लोग, पहला प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त करेंगे, और प्रथम कोटि में ही के की इकाई ज्ञात करेंगे कि क्या होता है के का इकाई, और प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा। यानी कि दोनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रथम कोटि के लिए व्यंजक ज्ञात करिए, प्रथम कोटि के लिए के का इकाई क्या होता है, ये एक नंबर में सवाल में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुका है, चाहे वो ऑप्शन देगा उसमें से आपको चेक करना है। याद रहे प्रथम कोटि के लिए के का इकाई अलग होगा, शून्य कोटि के लिए के का इकाई अलग होगा, हम शॉर्ट ट्रिक भी देने वाले हैं, आप बिल्कुल अभी वेट कीजिए। अच्छा, अब आपका सवाल रहेगा कि क्या सर द्वितीय कोटि का भी निकाला जा सकता है, तो हाँ भाई निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोगों को जो है सवाल में एग्जाम में प्रथम कोटि से सबसे ज्यादा आता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य का भी काम करेंगे,
प्रथम का भी काम करेंगे, आप चाहे तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ का भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी है कि आप इतना काम क्यों करेंगे, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। आप प्रथम को सबसे ज्यादा बार रिवाइज कीजिएगा, प्रथम कोटि का विक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे शून्य कोटि का विक्रिया। याद रहे तीन तीन चीज सब में हम लोग निकालते हैं, चाहे वो कितना कोटि का विक्रिया क्यों ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका व्यंजक और k का इकाई। व्यंजक और k का इकाई, अर्ध आयु तो बहुत सिंपल है, हम लोग निकालना सीखेंगे। तो पहले इतना चीज लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग काम करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया टॉपिक देंगे। चलिए अब हम लोग लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जरा समझिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में सबसे हम पहले हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले व्यंजक। इसमें सब में तीन तीन चीज याद रहे, शून्य कोटि में भी हम लोग चल रहे हैं, तो पहला शून्य कोटि का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। अब शून्य कोटि का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको आपको बढ़िया से समझना है। सबसे पहले कोई अभिक्रिया अपने खुद से लिखा जाता है। जैसे मान लिया हमको मन है कि मान लिया ए एक अभिक्रिया है, अभिकारक है, अभिकारक से बन रहा है प्रतिफल, प्रतिफल बन रहा है। अब आप बताइए अगर टाइम यहां पे जीरो सेकेंड है, टाइम जो है जीरो सेकेंड है, और अभी हम लोग मान लिया कि ए से कोई अभिक्रिया बी बन रहा है और टाइम बिल्कुल जीरो है, यानी कि अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये बोले कि अभिकारक मेरा जितना है, तो मान लिया कि अभिकारक ए है, अभिकारक का सांद्रण कितना है ए, यानी कि ए जो है हम माने हुए हैं कि ए क्या है, तो ए का मतलब हुआ सांद्रण, ए का मतलब सांद्रण। अब बताइए अगर टाइम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या प्रतिफल बनेगा, प्रतिफल नहीं बनेगा, प्रतिफल जीरो रहेगा। अब जरा समझते हैं कि जीरो का मतलब क्या है। मान लिया एक तरफ दूध है और एक तरफ दही है, यानी कि दूध से दही कब बनता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो सिर्फ दूध का तो दूध ही ना रहेगा, दही तो बिल्कुल जीरो बनेगा। कब, जब जीरो समय है, यानी कि टाइम शुरू नहीं हुआ है, अभिक्रिया करना शुरू नहीं किया है। जब अभिक्रिया करना शुरू नहीं किया है तो प्यारे छात्रों वो दूध का पूरा दूध ही रहेगा, दही नहीं बनेगा। इसलिए मान लिए कि ये दूध जो है उसका सांद्रण ए है, अपने तरफ से मानना है, ए का मतलब सांद्रण। अच्छा अब मान लिया कि समय हो गया टी, समय बराबर टी, समय बराबर टी का मतलब कुछ समय बीतने के बाद, समय बराबर टी, समय बराबर टी। देखिए यहां पे समय कितना था जीरो, अब यहां पे समय टी हो गया, मतलब कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, आधा घंटा बीत गया, चाहे दस मिनट बीत गया, चाहे कुछ बीत गया, तो इसका मतलब पक्का है, तो पक्का ये है कि जितना मेरा सांद्रण था, अभिकारक तो कुछ ना कुछ घट जाता है, तो मान लिया कि अभिकारक हो गया कितना, तो ए में से एक्स घट गया। जैसे मान लिया कि जब अगर टाइम जीरो था तो पूरा का पूरा दूध था, दही बिल्कुल नहीं बन रहा था, जीरो था, लेकिन अगर टी बराबर आधा घंटा हो गया, हाफ आवर, तो अब दूध का मात्रा कुछ घट गया ना। जैसे मान लिया कि घट के हो गया, यहां पर कुछ कांस्टेंट, ऐसे ए से आप समझ नहीं पाएंगे, मान लिया कि 10 लीटर दूध था, दूध कितना था 10 लीटर, जब अभिक्रिया नहीं हो रहा था तो क्या दही एकोठो बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि दही 0 लीटर। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद, यानी कि आधा घंटा अभिक्रिया हुए हो गया, तो एकदम पक्का बात है कि 10 लीटर दूध रहेगा कि उससे कम बचेगा। तो अब कुछ समय अगर बीत जाएगा तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब मान लिया जाए कि 10 में से 2 कम हो गया। कब, जब आधा घंटा बीतने के बाद, हो सकता है कि 4 भी दूध जो है 4 लीटर कम पड़ जाए, यानी कि अब 6 लीटर बचे,
यानी कि कुछ समय बीतने के बाद अभिकारक घटने लगता है और जितना ये घटेगा उतना ही न दही बनेगा, यानी कि कितना घट रहा है, चार, तो यहाँ चार लीटर दही बनेगा, एकदम ऑलरेडी बात है। जैसे मान लिया कि दूध मेरा 10 लीटर है और जिसमें से 6 लीटर अभी दूध बच रहा है, इसका मतलब 4 लीटर दही बना होगा, तभी ना 6 और 4 मिलकर 10 लीटर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हम 10 लीटर दूध लेंगे तो 15 लीटर दही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब प्यारे छात्रों कि t=0 का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं किया है, तब पूरा का पूरा दूध ही रहेगा, दही नहीं रहेगा। यही है ए और बी। ए अपने से अभिक्रिया के तौर पे लिया गया है, t=0 पर इसका सांद्रण मान रहे हैं ए, यहां से 10 लीटर है ना, वहां मान लिए ए, तो जब अभिक्रिया नहीं हो रहा होगा 0 पर कोई प्रतिफल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतने के बाद इसमें से कुछ ना कुछ मात्रा तो घट जाएगा, तो मान लिए कि कितना मात्रा घट गया, एक्स मात्रा घट गया, तो जितना मात्रा घटेगा उतना ही ना प्रतिफल बनेगा, तो यहां पे ए माइनस एक्स, तो यहां एक्स, जैसे कि 10 - 4 तो यहां 4, यानी कि 10 - 4 का मतलब 6 लीटर, तो 6 लीटर दूध, तो दही कितना, 4, 6 - 4 = 10, यानी कि कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छा से समझना है कि ये मीनिंग क्या बतलाता है। अगर ये मीनिंग आप समझ गए, क्यों इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सबके व्यंजक में आपको इतना चीज लिखना होगा, यानी कि अपने से अभिक्रिया ए से बी, आप पी से क्यू भी लिख सकते हैं, आर से टी भी लिख सकते हैं, कुछ से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन दो चीज जरूर लिखना होगा, एक t=0 पर और कुछ समय बीतने के बाद, यहाँ t, यहाँ इससे पता ये चल रहा है कि कुछ समय बीता है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, कुछ भी बीता होगा, तो यहाँ समय के जगह पे t लिया गया है। अब यहाँ चूंकि अपने से सांद्रण माने हैं a, यानी कि a का टोटल सांद्रण a है, और जीरो अभिक्रिया जब नहीं हो रहा था तब कोई प्रतिफल नहीं बन रहा था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पे अभिकारक का मात्रा घट गया, तो हम ऐसा माने हैं कि x से घट रहा है, कुछ घट रहा होगा, और जितना घटेगा उतना ही प्रतिफल बनेगा। तो ये चीज आपको सब में करना है। अब जो आपको मेन समझना है, अब चूंकि शून्य कोटि के लिए है तो वेग जो होगा, याद रखिएगा यहाँ पे वेग जो है वो dx/dt से सूचित करते हैं। वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ∂A/∂t, वहां पे भी अभिक्रिया कर रहे, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है उसको सूचित कर रहे हैं dx/dt के साथ। तो dx/dt समानुपाती होता है जो समय, कुछ समय के बाद कितना बन रहा है, a-x, तो a-x के पावर कितना, तो शून्य कोटि के लिए लिखे हैं तो यहाँ पे पावर दे देंगे 0, और यहाँ पे एक के स्थिरांक लगाया जाता है जिसको हमें लगाना जरूरी है। यानी कि इतना चीज करने के बाद आपको ये समझना है कि वेग जरूरी लिखना है सब में, चाहे शून्य कोटि का प्रूफ करें चाहे प्रथम कोटि का प्रूफ करें, वेग लिखना जरूरी है। और वेग का मतलब क्या हुआ, dx/dt, और वो समानुपाती होता है किसके, तो जो कुछ समय के बाद बनेगा उसका, यानी कि कुछ समय के बाद कितना बन रहा है, a-x, तो a-x को यहां लिख दीजिए। अब पावर में 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे शून्य कोटि था इसलिए शून्य कर दिए, और यहाँ पे वेग स्थिरांक के जरूरी लगाना रहता है वो लगा दिए, सॉरी ये नहीं, ये तो बाद में लगेगा, यानी कि समानुपाती हो गया a-x/0। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं dx/dt, जब समानुपाती हटेगा प्यारे छात्रों तब लगाना है क्या, वहां पे मिस्टेक हो रहा था, अब यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे k लगा दिए, और किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1, यानी कि यहां हो जाएगा 1। तो टोटल मिलाकर dx/dt का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, k। इसलिए हम बोल सकते हैं कि k का व्यंजक क्या हुआ, तो dx/dt, यानी कि यही हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि k = dd हट सकता है, क्योंकि d क्या है, छोटा के लिए बताता है d, तो यहाँ d हटेगा तो x/t भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही हो गया मेरा शून्य कोटि का व्यंजक।
शून्य कोटि का व्यंजक। तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि शून्य कोटि का व्यंजक क्या होता है और कैसे प्रूफ करते हैं। तो अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है। अभिक्रिया लिखने के बाद आप उसको समानुपाती देंगे और इसका वैल्यू किसी के भी संख्या का पावर जीरो रहता है उसका वैल्यू एक, और यहाँ पर आप समानुपाती हटा तो के, और dx by dt is equal to k, और k का मान निकालेंगे तो dx by dt, और d को अगर हटा दें तो x by t बचेगा। यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पहला काम तो व्यंजक पता चल गया कि व्यंजक क्या होगा भाई। तो व्यंजक हो गया मेरा कौन, x बटा t, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, जहां k क्या है, जहां k जो है वो वेग स्थिरांक है। k को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हुआ सांद्रण, क्योंकि a मेरा सांद्रण है तो सांद्रण ही ना कुछ घटेगा, तो x भी सांद्रण है। जैसे मान लिया कि 10 लीटर है, जैसे दूध का 10 लीटर लिए थे तो 10 लीटर मात्रा है, और जब उसमें 4 लीटर घटाएंगे तो 4 लीटर भी तो एक मात्रा ही ना हुआ, उसका कितना मात्रा घट गया, तो उस तरह से सांद्रण है तो x भी क्या है, सांद्रण। t क्या है, तो t हो गया समय, t हो गया समय। तो यहां पे k हो गया वेग स्थिरांक, x हो गया सांद्रण और t हो गया समय। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो अगर शून्य कोटि के लिए अगर हमें पूछेगा कोई कि शून्य कोटि के लिए कितना होगा, तो शून्य कोटि के लिए व्यंजक होगा k बराबर x बाय t। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि शून्य कोटि के लिए k का इकाई क्या होगा। तो अभी तो हम लोग व्यंजक प्रूफ किए हैं, तो बिल्कुल आप व्यंजक के नीचे इतना सारा लिखेंगे। अब हम व्यंजक को हटाते हैं, अब हम व्यंजक के जगह पे लिखते हैं, क्योंकि सभी के लिए हम लोग को तीन काम करना पड़ेगा। तो व्यंजक देख लिए, अब हम लोग आते हैं k की इकाई पे। चलिए अब k का इकाई हम लोग कैसे पता करते हैं, चूंकि व्यंजक से प्राप्त मान व्यंजक से हमें k का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो x बटा टी, जहां x क्या है प्यारे छात्रों, ये है सांद्रण, और t क्या है समय। तो k का इकाई ज्ञात करने के लिए सांद्रण का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको पता होना चाहिए, कि सांद्रण का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, ये होता है। नहीं पता होगा तो यहां लिख लीजिए। तो हमें k का इकाई किसके लिए, अभी जो मेन टॉपिक से शून्य कोटि में ही चल रहे प्यारे छात्रों, ये भी हम लोग जो चल रहे हैं वो शून्य कोटि में ही चल रहे, लेकिन अब शून्य कोटि में जो चल रहे हैं उसके लिए k का इकाई, यानी कि जो k का इकाई हम लोग स्पेशल निकालने वाले हैं वो किसके लिए होगा, तो सिर्फ और सिर्फ शून्य कोटि के लिए होगा। तो यहां हम लोग k बराबर शून्य कोटि के लिए व्यंजक कितना आया था, अभी प्रूफ किए थे, x बाई टी, जहां x का मतलब सांद्रण, t का मतलब समय, और सांद्रण का ऐसे मात्रक क्या होता है, ऊपर लिख देंगे मोल पर लीटर, और नीचे क्या है समय, समय का ऐसे मात्रक सेकंड। इसलिए अगर हमें कोई पूछेगा कि शून्य कोटि के लिए k की इकाई क्या होगी, तो हम यही लिखेंगे कि मोल पर लीटर, और नीचे वाला सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल आएगा कि शून्य कोटि के लिए k की इकाई कितना होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्यारे छात्रों वही है, क्या है, तो अगर कोई कोटि भी रहे आपका सबसे पहला काम है व्यंजक को प्रूफ करना। अगर आपने व्यंजक को प्रूफ कर लिया तो आप k का भी इकाई आसानी से निकाल सकते हैं और उसका अर्ध आयु भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शून्य कोटि का भी हम लोग का एक पार्ट बचा हुआ है, वो अर्ध आयु। यानी कि शून्य कोटि के लिए हम लोग अभी व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं, शून्य कोटि के लिए k का इकाई ज्ञात कर लिए हैं, और जब भी हम लोग k
के का इकाई चाहे अर्ध आयु निकालेंगे वो रिलेटेड होगा व्यंजक से, यानी कि आपका उस कोटि का व्यंजक पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या आया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है जिस भी कोटि के लिए आप काम कीजिए, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, आपको सबसे पहला काम करना है व्यंजक निकालना। आप अगर व्यंजक निकाल लिए आप 60% काम कर लिए, अब मात्र बच रहा है 40। 40 का मतलब 20 के का इकाई ज्ञात करने में और 20 अर्ध आयु ज्ञात करने में। क्यों? क्योंकि अर्ध आयु भी ज्ञात करना है या फिर के का इकाई ज्ञात करना है तो वो रिलेटेड होता है व्यंजक से। आपको व्यंजक मेन है। देखिए अभी हम लोग व्यंजक निकाले तो व्यंजक से ही ना हम लोग के का इकाई निकाले। अब हम लोग काम करते हैं के का इकाई के बाद, अब हम लोग तीसरा जो पार्ट है उसका मान है अर्ध आयु। चलिए अब अर्ध आयु को समझते हैं कि अर्ध आयु क्या है। देखिए प्यारे छात्रों यहाँ पे अब हम लोग सीखने वाले हैं अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, याद रहे कोई भी कोटि हो, शून्य कोटि हो, प्रथम कोटि हो, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, सभी में तीन चीज होता है। पहला व्यंजक, दूसरा उसके लिए के का इकाई जिस कोटि के लिए आप काम कर रहे हैं, और उसके लिए ही अर्ध आयु। यानी तीन चीज सबके लिए अलग अलग होगा, उसका व्यंजक अलग होगा, जब व्यंजक अलग होगा तो के का इकाई अलग होगा, और के का इकाई अलग का मतलब अर्ध आयु का मान अलग होगा। अब अर्ध आयु का मतलब क्या है, अर्ध को अगर बराबर पर आधा आधा पार्ट में बांटे तो अर्ध का मतलब होता है आधा और आयु का मतलब एज। तो अगर कोई अभिक्रिया का बिल्कुल आधा, अगर मान लिया कि हम 10 लीटर दूध लिए हुए हैं तो अर्ध आयु का मतलब कि कितना टाइम के बाद वो 5 लीटर ही दही बनेगा, राइट। अर्ध आयु का मतलब होता है बिल्कुल आधा अभिक्रिया होना। अगर हम मान लिया कि 100 लीटर दूध लिए तो कितना टाइम के बाद 50 लीटर ही मेरा दूध दही बनेगा और 50 लीटर दूध का दूध रहेगा। तो अर्ध आयु का मतलब आपको समझना चाहिए, अर्ध आयु का मतलब बिल्कुल हाफ लाइफ, हाफ अर्ध मतलब हाफ और आयु का मतलब लाइफ, जीवन का आधा भाग। जीवन का आधा भाग बोले तो अभिक्रिया करने में अगर 10 मिनट का टाइम लग रहा है पूरा पूरा तो आधा 5 मिनट लगेगा। तो टोटली मिलाकर हम लोग यहां पे ये पढ़ रहे हैं कि इसका अर्ध आयु कितना होगा। तो चलिए इसको के लिए, अर्ध आयु के लिए भी अगर हम लोग काम करेंगे, चूंकि व्यंजक से प्राप्त मान, व्यंजक से प्राप्त मान कितना आया है के बराबर एक्स बाई टी, किसके लिए भाई, तो शून्य कोटि के लिए ही। अभी हम लोग अलग काम नहीं कर रहे हैं, शून्य कोटि के लिए कर रहे हैं। अब जब भी अर्ध आयु निकालते हैं तो यहां लिखिएगा अर्ध आयु, और अर्ध आयु को टी लिख के उसके नीचे 1/2 से सूचित करते हैं, इसका मतलब हुआ अर्ध आयु। अर्ध आयु के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं अर्ध आयु बराबर जो होता है वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू होता है। यानी कि अर्ध आयु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो टी 1/2। देखिए यहां पे टी लिख देंगे, 1/2 नीचे लिखेंगे, टी का मतलब होता है पूरा समय, और जब 1/2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध आयु। तो यहां पे हमें चूंकि अर्ध आयु का बात कर रहे हैं इसलिए अर्ध आयु को किससे सूचित करते हैं, t 1/2। और अर्ध आयु में आप बताइए तो सांद्रण कितना होगा, बिल्कुल शुरू में तो हम लोग एक ही ना सांद्रण लिए थे, तो जितना सांद्रण लेंगे उसी का आधा ना बनेगा। जैसे मान लिया 10 लीटर अगर दूध लिए होते तो दूध से भाग करेंगे तब ना 5 लीटर आधा वैल्यू आएगा। इसलिए x का वैल्यू हमेशा कहां क्या पुट करते हैं अर्ध आयु के लिए, a/2। यानी कि आपको जो है एक चीज याद रखना होगा कि अर्ध आयु में हम लोग एक काम करते हैं, वो ये काम ये है कि हमेशा अर्ध आयु जब भी आएगा उसको t 1/2 समझना है, और अर्ध आयु में x का जो मान है वो a/2 पुट किया जाता है। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे, k के जगह पे k छोड़ेंगे, अब इस x के जगह पे a/2 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां मेरा अर्ध आयु है, तो जब कभी भी अर्ध आयु आता है तो x के जगह पे a/2 लेना है, तो x के जगह पे हम ले लिए a/2, और नीचे में t। ये t क्या बताता है,
पूरा समय, लेकिन हम अर्ध आयु के लिए काम कर रहे हैं, तो अब इस टी को चेंज करके टी वन बाई टू ले रहेंगे। तो टोटल अगर मिला के अगर बात किया जाए तो अर्ध आयु के लिए जो मेरा फार्मूला बना वो अर्ध आयु के लिए फार्मूला क्या बन गया, इसलिए के बराबर ए, तो ए ऊपर रहेगा, नीचे नीचे वाला टू नीचे आ जाएगा, टू इंटू टी वन बाई टू। तो ये हो गया अर्ध आयु के लिए फार्मूला, यानी कि ये हो गया अर्ध आयु शून्य कोटि के लिए, अर्ध आयु शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु, अर्ध आयु। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि शून्य कोटि का व्यंजक कितना होता है, तो अगर टोटली अगर बात करें तो शून्य कोटि का व्यंजक के बराबर होता है x बाई टी, पहला सवाल का जवाब। और दूसरा, के का इकाई क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अर्ध आयु के लिए क्या होता है, तो अर्ध का आयु के लिए होता है a बाई टू टी वन बाई टू। तो तीनों चीजों का फार्मूला हम लोग यहां पे प्रूफ कर लें। तो प्यारे छात्रों, यहां पे शून्य कोटि के लिए तीन चीज देखें, पहला व्यंजक, दूसरा के का इकाई और तीसरा अर्ध आयु। अब हमें इस पर सवाल कैसे कैसे देगा, तो सवाल जरा हम लोग थोड़ा सा देर के बाद करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि का। जरा अगर प्रथम कोटि का भी मिल जाए तीन चीज, व्यंजक और प्रथम कोटि के लिए के का इकाई, प्रथम कोटि के लिए ही अर्ध आयु, तब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में और मजा आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में अब कैसे पता चलेगा कि अर्ध आयु कौन सा लगाना है भाई, प्रथम कोटि के लिए कि शून्य कोटि वाला कि किसका। तो अक्सर सवाल में लिख दिया जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो आप शून्य कोटि वाला लगाएंगे के का मान, शून्य कोटि का लगाएंगे अर्ध आयु, शून्य कोटि का व्यंजक से आप जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसका निकालेंगे। यानी कि अक्सर जो न्यूमेरिकल देता है उसमें ये साफ साफ क्लियर कर देता है कि किस अभिक्रिया का कोटि है, और जिस अभिक्रिया के कोटि बोलेगा उसमें हम लोग उस फार्मूले से चलेंगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि आज हम लोग ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया तीन पार्ट्स, व्यंजक, के का इकाई और उसका अर्ध आयु का प्रूफ हम लोग देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगले क्लास में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, वहां भी तीन चीज देखेंगे। पहला चीज क्या होगा, उसका व्यंजक किसका, प्रथम कोटि का, और प्रथम कोटि का के का इकाई, प्रथम कोटि का अर्ध आयु, सभी के लिए अलग अलग होता है। फिर लास्ट में हम एक ट्रिक देंगे कि अगर कोई भी कोटि रहेगा, कोई भी कोटि, दस, दसवां कोटि, पंद्रहवां कोटि, उसके लिए आप आराम से वेग निकाल सकते हैं, उसके लिए एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, के का इकाई, उसके लिए हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज के क्लास को यही एंड करते हैं। आप सिस्टमैटिक तरीके से एक के नीचे एक सबको लिख लीजिएगा, और बेहद तरीके से इसको प्रयास भी करना है। हालांकि शून्य कोटि उतना इंपोर्टेंट नहीं है, प्रथम कोटि को ज्यादा बार अभ्यास करना है, वो ज्यादा बार पूछता है, हार्ड भी है इससे, ये तो बहुत शॉर्ट है। प्रथम कोटि जब चलेंगे वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसको जरा अच्छा से रिविजन करना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले दिन, धन्यवाद।